नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि शूटिंग स्टार क्या होता है और उसके बारे में बताएं। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां से आपको, अगर वो एक्टिवेट होता है तो आपको पुट लेनी होती है। सिंपल, सेल करना है, पुट लेनी होती है, लेकिन जब शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शूटिंग स्टार होता क्या है। शूटिंग स्टार अपसाइड डाउन वर्जन ऑफ हैमर को शूटिंग स्टार कहते हैं, यानी कि जो इन्वर्टेड हैमर है उसी की तरह की कैंडल होती है। इन्वर्टेड हैमर गिरावट में बनती है और ऊपर लेके जाने का मार्केट को क्षमता रखती है, और वैसे ही इसका ये है कि शूटिंग स्टार एक ऊपर टॉप पे जाके कैंडल बनती है और वहां से गिरावट दे सकती है। मैंने कहा दे सकती है, तो जब तक ये एक्टिवेट ना हो तब तक आप पुट में ना आए, तब तक आप सेल ना करें। शूटिंग स्टार जैसा पहले बता चुका हूं, इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिखती है। इसकी अपर विक लॉन्ग होती है, शॉर्ट बॉडी बॉटम पे होती है, छोटी सी या उसके नीचे या तो विक बिल्कुल भी नहीं होती या बिल्कुल थोड़ी सी विक हो सकती है। लेकिन इसकी जो टॉप पे विक है, अपर विक है, वो कम से कम बॉडी से दुगनी होनी चाहिए। अगर अप ट्रेंड में, जैसा मैंने बताया, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में ही बनेगा, अगर अप ट्रेंड में ऐसी कैंडल दिखती है तो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं और वहां से रिवर्सल आ सकता है। अब कैसे इसको ट्रीट करें, कैसे इसको डील करें? वैसे तो कहा जाता है कि अगर इसकी बॉडी से लोअर, इसकी जो शूटिंग स्टार की बॉडी से नीचे अगर नेक्स्ट कैंडल खुले तो आप सेल सिग्नल की कंफर्मेशन ले लें। लेकिन मैं एक और चीज भी ऐड कर देता हूं कि अगर उसकी बॉडी से नीचे तो है ही, अगर उसके नीचे कुछ विक है, जब उस विक के नीचे यानी कि शूटिंग स्टार के लोअर पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट के नीचे जब चली जाए नेक्स्ट कैंडल, तभी आप उसको सेल सिग्नल माने और पुट में आए या सेल करें। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो एक यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी, अच्छी खासी ऊपर को जा रही थी मार्केट और यहाँ जाके एक शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार बना, इसके लो को नेक्स्ट कैंडल ने ही काट दिया। हालांकि कई लोगों को लगेगा कि ये तो ग्रीन कैंडल है, लेकिन भाई मैंने जैसे बोला कि इसका लो पॉइंट जो है, अगर उसको काटे तो आप तुरंत पुट में आ जाइए। आप पुट में आए और आपने अच्छा खासा पैसा बनाया। अब कई लोग कहेंगे कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, हालांकि मैं बोल बता चुका हूँ इसके टॉप जो विक का टॉप है वो इसका स्टॉप लॉस है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं हम। अब एक और चीज, एक और एग्जाम्पल इसी चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे एक ऊपर को मार्केट का अप ट्रेंड आया और शूटिंग स्टार ऊपर बना, नेक्स्ट कैंडल ने उसके लो के नीचे ओपन हुई या उसके लो के नीचे गई, तो उसके बाद आपने फिर से देखा कि एक अच्छा खासा पुट में आपने पैसा इसमें बनाया होगा। अब एक और चार्ट पे हम देखते हैं एग्जाम्पल। अगर ये चार्ट देखें तो ये निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट है। अगर इसमें देखें तो हमें एक शूटिंग स्टार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट हुआ? जी हाँ, जैसे ही इसने इसका लो काटा आप पुट में आ गए और आपने अच्छा खासा पैसा बनाया। यहाँ पे भी अगर आप देखें कि एक ऊपर को मार्केट ने यहाँ पे अप ट्रेंड दिया, यहाँ एक शूटिंग स्टार बना और वो भी एक्टिवेट जरूर हुआ, लेकिन अगले 2 से 3 मिनट में उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो आशा मैं ये करता हूं कि आपको इन एग्जाम्पल्स से ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम शूटिंग स्टार को डील करें, कैसे शूटिंग स्टार पर हम लोग ट्रेड लें, पुट लें और बेनिफिट करें। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आया हो पसंद तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको लाइक किया है आपने, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो ऐसी मैं कामना करता हूँ।